फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 25 से वर्ड्स है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्या करेंगे, डिटेल में उसके पढ़ेंगे, जो रहेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस से बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। देखिए बीवर 25 है, प्रीवियस इसके सारे क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। और ये अब 3 स्टार बना लीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मेरा आवाज खराब है, तबीयत नहीं ठीक होती है। ठीक है, बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसे वही बनाता है। ठीक है, उसमें ही अंडे देती है ये बीवर पक्षी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कोयल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयल की बोली कुकु कुकु। ठीक है, कोयल सी बोली। ठीक, कोयल के काले पंख होते हैं और यह कुकु कुकु की आवाज करती है, आवाज लगाती है। यह अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठी आवाज के लिए। अगर मैं बात करूं, ये आपकी कोयल है, देख लीजिए आप। उसके बाद आगे चलते हैं। कबूतर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 स्टार 3 स्टार लगा दीजिए इसको भी। ठीक है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख सलेटी होते हैं और ये गुटू गु की आवाज निकालता है। ठीक है, ये आपका कबूतर देख सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ, ये आपके कबूतर है। ठीक, और मेरे चैनल का नाम पे कीप हुई। ठीक है, गिद्ध, गिद्ध की अगर मैं बात करूँ, गिद्ध से भी पूछा जाता है आपका कि गिद्ध जो होता है ना, गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसीलिए इसे प्रकृति का सफाई करता कहा जाता है। तो ये आपका गिद्ध देख सकते हैं, इतना बड़ा सा विषैला है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। कठफोड़वा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कठफोड़वा है पक्षी है जो आपको लकड़ी में क्या करता है, कुट कुट की आवाज करता रहता है, तनों में छेदता रहता है। ठीक है, कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। ठीक है, पेड़ के तनों में ही कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? कठफोड़वा। हम इससे क्या करेंगे, एमसीबी की करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए दार्जिलिंग चिड़िया से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। देखिए दार्जिलिंग चिड़िया ये पत्ती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन आ चुका, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई। यह चिड़िया कौन सी है? तो गौरैया है। ठीक है, गौरैया क्या है, जैसे जैसे आपका डिश टीवी बढ़ता गया, आपका इंटरनेट लगाते गए, तो वहां पे क्या है, उसकी वजह से जो पक्षी थी ये खत्म होने लगी। राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन 4। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देती है? देखिए ये आपका पहचान लीजिए इसमें कौन है, और 4 ऑप्शन है। देखिए कलचिड़ी नहीं होगा, शक्कर खोरा नहीं होगा, आपका दार्जिलिंग चिड़िया नहीं, आपका बयार है जिसे बीवर बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने तरफ होती है। तो ये पिक्चर है, आपको पिक्चर की तरह मैं आपको सिखा रही हूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े, देख के ही आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये आपका कौन है? उल्लू। ठीक है, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पर्श देख सकता है, जो वस्तुओं में 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते, कौन सा है? अगर मैं बात करूं, बाज, चिरगी। ठीक है, सेकेंड वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी, तो देखिए बहुत बार पूछा गया है और ये भी इमेज है, इमेज से बताइए कौन सा है, मैना हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो हुक जैसी जो चोंचें होती है आपको काटने और मीट को खाने के काम आती है। चलते हैं, कौन सा पक्षी जो बच्चे पैदा कर दूध पिलाता है? तो देखिए आपका बगुला नहीं है, बाज नहीं है, कौवा नहीं, चमगादड़। ठीक है, यहाँ पे भी इमेज है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कबूतर आप सभी को पता है कि पुराने मकानों में। ठीक है, ये इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? देखिए सारस। ठीक है, सारस पक्षी है जो अपने दोस्त या साथी के वियोग में क्या करता है, अपना साथी के वियोग में क्या करता है, अपना प्राण त्याग जाता है। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, अगर मैं बात करूं तो 1963 में। आपका राइट आंसर होगा सेकेंड वाला। ये आपके क्वेश्चन थे। आयु की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, कीप डूइंग मेरे चैनल का नाम। बाय बाय, टेक केयर।